तो रखने दस मैं कैमरे में तो भाई फोटो ज़्यादा मार रेडी रेडी अजय रेडी अजय तक कैमरा पिक्चर ना करो देख रहा मेरे को मैम एक लुक सामने सामने देख लीजिए एक लुक दीजिए ना सामने तमाम Yes. Hello, ma'am. Yeah, it's not much. How nice. I think it's really nice. No, it's not a Thank you. I think
Look center. Look center. Look center, ma'am. Ma'am, look. Thank you. कपड़ा देखते हुए करते नहीं center. One, two, three, smile!
अभी शाम को हाँ Come on here, left side. Come on, start from here. Come on, here. Here, here. Yeah, look at here. Look at right. Yes, everyone look here. One more. Here. Ah, I'm not coming, ma'am. Okay, okay. Oh, yeah. 1 second. Definitely, I mean, getting associated with the Kids of Smile Foundation is always a very beautiful thing to do. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ही काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं. कभी स्माइल फाउंडेशन के लिए वॉक किया, गुरमीत ने जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था इस साल. और इट ऑलवेज फील्स गुड एक्ट टू ब्रिंग स्माइल टू द फेस एंड टू इनिशिएट अ कॉज विच हेल्प्स अ गर्ल चाइल्ड टू ग्रो. मुझे लगता है इंडिया में ऐसे कॉजेज़ की बहुत ज़रूरत है. और झीलम हैज़ कम अप विथ समथिंग वेरी नाइस एंड यूनिक. आई थिंक जहाँ पे ग्लैमर और अच्छे कपड़े तो वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं. और टू गेट एसोसिएटेड, आई मीन गेट स्माइल फाउंडेशन ऑन बोर्ड विल गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन टू देम. तो आई थिंक शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. अगले हफ्ते रिलीज़ हो रही है, सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड. मैंने पर्सनली फिल्म तो देखी नहीं है, पर मुझे पता है मोर ऑर लेस. और आई एम लाइक दिस वुड बी समथिंग वेरी यूनिक फॉर गुरमीत. और बहुत अर्ली हो रहा है उसके करियर में. बहुत लोगों के थोड़े लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ऐसे आर्मी फिल्म करने को मौका मिलता है. गुरमीत के एकदम इनिशियल स्टेज में वो आर्मी फिल्म कर रहा है. आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड. हम दोनों बहुत नर्वस है एंड आई एम थिंकिंग आप सब भी है. उसके पास इतने गुड विशेस है तो हम सब साथ में देखेंगे और देखेंगे क्या करते हैं. मैं तो वेल आई एम हियर फॉर द स्माइल फाउंडेशन एंड दिस इज़ अ चैरिटी इवेंट एंड दिस इज़ आई थिंक अमेजिंग. इट्स ऑर्गेनाइज बाई झेलम एंड नारायण ज्वेलर्स एंड this is a charity event, so whatever sales they do today, the jeweler or the clothes, whatever sales they're going to do, there's some percentage which is going to go to the charity. So I think it's going on girls' education. I think this is an amazing cause and I'm definitely going to support it. And this is my second time with Smile Foundation, and I always love to be there on the events because I myself support them. And this is an amazing cause, and of course we are here to support them. तो बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं जहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है इंडिविजुअल के द्वारा. तो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कौन सा ऐसा इशू लगता है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, अगर आपको अपने हिसाब से करना हो, जब भी आपके पास टाइम हो या अकॉर्डिंग टू सी. आई डोंट थिंक सो यू शुड चूज़.
आई थिंक आपको डजेंट मैटर आप किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हो, डजेंट मैटर कितना कंट्रीब्यूट करते हो, अगर आप एक छोटा स्टेप भी लेते हो दैट्स ऑल्सो बिग थिंग फॉर यू. सो आई डोंट थिंक सो यू शुड चूज एंड सी कि अच्छा आप कहाँ पे जा सकते हैं कहाँ. और व्हेन इट कम्स टू स्पेशली फाउंडेशंस, सो आई डोंट थिंक सो आपको उनको लिस्ट में डालना चाहिए कि ओके दिस इज़ द नंबर वन, दिस इज द सेकेंड वन, आई एम गोना गो टू नंबर वन और आई एम गोना गो टू सेकेंड वन. सो आई थिंक आपसे जितना हो सकता आप करिए, डजेंट मैटर व्हाट आर यू डूइंग. अगर आप छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी करते हैं दैट्स ऑल्सो बिग थिंग फॉर देम एंड फॉर द एजुकेशन. और यू नो लाइक मी माई सेल्फ आई एम फ्रॉम पंजाब, सो आई हैव माई ओन चैरिटी, आई हैव माई ओन थिंग. लाइक वेन एवर आई फील और वेन आई हैव ए टाइम, मैं वहाँ पे लड़कियों की स्टडीज़ के लिए उनको कंट्रीब्यूट करती हूँ, उसके लिए कंट्रीब्यूट करती हूँ. एंड ऑल्सो ऑल द पुअर फैमिलीज जो हमारे गांव में रहती हैं, पुअर फैमिलीज यू नो लाइक दे स्टिल दिस ट्रीट गर्ल्स एंड बॉयज़ डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर. एंड आई गो पर्सनली टू देम एंड यू नो आई एम very I think big in giving lectures. I'm really sorry, so I just try to talk to them and try to convince them what all they can do. Abhi humne Punjab mein ek silai center khola hai jo gareeb ladkiyan hain, choti ladkiyan jo obviously so jo unke parents unki education ke liye unko payment pay nahi de sakte hain. So humne ek सिलाई सेंटर खोला है. इसके अलावा वी हैव ए फाउंडेशन जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी वी आर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर द गर्ल चाइल्ड. सो वट एवर देयर पेरेंट्स आर अर्निंग लाइक मे बी अ मंथली और वीकली वट एवर हाउ मच दे कैन डिपॉजिट इन देयर अकाउंट दे शुड डू इट लाइक मे बी 500 बक्स और 1000 बक्स और वट एवर यू वांट टू डू इट यू जस्ट डू इट. जब लड़की 18 साल की होती है वही पैसा उनकी एजुकेशन में जाएगा और शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, उसके मैरिज में खर्चा किया जाएगा और शी वॉन्ट्स टू डू द एजुकेशन, शी वॉन्ट्स डू एनी थिंग, दैट मनी इज़ लाइक हर मनी. सो आई थिंक डजेंट जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमको कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, आई डोंट थिंक सो यू शुड चूज इट. जितना आपसे हो सकता है आप कीजिए एंड जस्ट बी सपोर्टिव आई फील. Well, I won't talk much on my professional things here because today I'm here for the Child Foundation and I would like to talk only about the Child Foundation. Coming back to work, yes, I have few projects lined up, so I will discuss on I think maybe next interview, not here today. Thank you. Ma'am, just one idea, jo fashion house se aur is my foundation ki collaboration hai, to help out the girl child for education and other initiatives. बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और कैंपेन का नाम है शी कैन फ्लाई, विच इज़ अ वेरी गुड कॉज. हर लड़की का एक सपना होता है, मुझे लगता है कि हर लड़की को अपने सपना जीने का पूरा अधिकार है. सो मेरे भी कुछ सपने थे और मैं उन्हें जी रही हूँ, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे पेरेंट्स, ऐसी फैसिलिटीज़ हर लड़की को नहीं मिलती है जो यू नो स्माइल फाउंडेशन के थ्रू, इस कैंपेन के थ्रू लड़कियों को मिल रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. And yeah, so I'm happy to be here. I'm honored to be here. Thank you so much. बिल्कुल, हर लड़की को अपने, इनफैक्ट हर किसी को अपने फिगर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए कोशिश करनी चाहिए. मैं भी रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ, अच्छा खाना और पानी ज़्यादा पीना, और आई थिंक हर इंसान को अपना ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, तभी वो किसी और का ख्याल रख पाएगा. सो इम्पॉर्टेंट अब हर इंसान के लिए आई थिंक ज़रूरी है, ऐसा करना चाहिए. कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते, पर मुझे लगता है कि हर किसी को ये सब करना चाहिए टू बी फिट. ज़रूरी नहीं है कि आपको स्लिम दिखना है, आपको खूबसूरत, आप अंदर से फिट रहेंगे तो आप अपने आप खूबसूरत दिखाई देंगे, आप हेल्दी होंगे तो आप अपने आप अच्छे दिखाई देंगे. बिल्कुल, अभी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा बट आई कांट रिवील इट. आप डायरेक्ट देखिएगा. I don't want to reveal anything. Any hint for your fans? TV देखते रहिए. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Very good. Do
Rolling. Ma'am, what do you have to say about the JLM Fashion House and, you know, Smile Foundation, this initiative supporting girl child education and other initiatives? Kya kehna chahenge is baare mein? I think it's brilliant because, jaise ki main hamesha kehti hu, har insaan agar apna apna contribution karta rahe kisi na kisi tarah se, so, you know, kisi ko भुखमरी से या गरीबी से गुजरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. आई एम सो प्राउड ऑफ देम दैट दे आर डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड दे कॉल मी एंड आई जस्ट कुड नॉट से नो बिकॉज आई लव दीज किड्स. दे आर फैंटास्टिक एंड आई डोंट वांट टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू मीट देम. एंड स्माइल फाउंडेशन आई फील वेरी जेन्युइन एंड दे डू अ लॉट ऑफ रियल वर्क यू नो ऑन फील्ड. And I have known Maya and these girls. They really work hard to give these kids the best life that they can. And I'm here. If mere yahan hone se kuch thoda bhi fark padta hai, koi sale double ho jati hai, kuch ho jata hai, I'll be more than happy ki meri wajah se ya mere thode se support ki wajah se ya in sab logon ki support ki wajah se un bachon ki zindagi mein fark pada jinko otherwise koi you know utni facilities nahi deta. Is there any issue in my mind as celebrities? कौन सा cause है जो मेरे दिमाग में चल रहा है? Which cause you want to support? Well, I am already supporting a cause that's called humanity. My web series Abdul Kisun talks about that. I made a web series for it because I thought as an actor, what better can I do? मैं acting करके express कर सकती हूँ और is ironic or strange, weird and happy also. Today is our last season filane, you know, release, and it's called also called Smile. So it was such a coincidence ki mujhe nahi pata tha ki main aaj wo release hoga aur aaj main Smile Foundation ke liye yahan khadi hongi. So yeah, yes, meri episode nahi, koi tagline to nahi hai, but meri episode alag alag human feelings pe based hai. वो फीलिंग्स जो हमें चेंज करती हैं, बदलती हैं, किसी न किसी तरह से हमारे अंदर बदलाव लाती हैं. ये ह्यूमैनिटी की छोटी 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 सिंपल कॉम्प्लेक्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स बातें हैं जो इतनी आसान है, बट हम बिकॉज इतना कुछ चलता है दुनिया में, हम उसे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. सो ईच एपिसोड ऑफ माइंड जस्ट टॉक्स अबाउट दैट फीलिंग, और वो उसी फीलिंग पे बेस्ड है, और उस फीलिंग से कितना कुछ बदल सकता है उस पे बेस्ड है. लास्ट एपिसोड इज़ कॉल्ड स्माइल. इट इज़ एज सिंपल एज नॉट टू मिस अ स्माइल. You know how a smile can see. Just now I smiled, और आपने फट से हंस दिया. So that's how fast उसका reaction होता है. So that's how simple and beautiful the film is. Okay, sir. Final episode. अब यार season 2 पे हम काम कर रहे हैं. बहुत सारे किस्से हैं दुनिया में जिनको बनाया जा सकता है, और मुझे लगता है कि as an individual हर इंसान को इसके बारे में इस वक्त बात करनी चाहिए. आप देख रहे हैं कि कितना कुछ हो रहा है दुनिया में. यू नो, यू रियली फील लॉस्ट. समटाइम्स आई फील लॉस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग. एंड आई इफ आई थिंक कि मुझे लोग कहते हैं आप सेटल कब होंगी, बच्चा कब पैदा करेंगी, मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को किस दुनिया में लेके आऊँगी, क्या दूँगी उसे मैं. सो पहले मैं अपना दुनिया तो बेटर बनाऊँ किसी तरह से, अपनी तरीके से, या अपनी जो जितना मैं चेंज कर सकती हूँ. और जैसे मैं हर बार कहती हूँ, एक एक इंडिविजुअल बस अपना अपना काम कर ले, बहुत हो गया, दुनिया अपने आप बदल जाएगी. सो द सेकेंड सीजन वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. वी आर ट्राइंग टू कीप इट लिटिल कॉमिकल दिस टाइम, क्योंकि मैंने भी बहुत सीरियस काम करके थोड़ा मुझे भी अफेक्ट होने लगा है. बाकी मेरी फिल्म पे काम चल रहा है जो श्यामा सिकंदर प्रोडक्शन के अंदर बन रही है.